अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और रोज़े कैसे जा रहे हैं आप लोगों के? पता ही नहीं चल रहे वैसे रोज़े तो। माशाल्लाह से आज 9 रोज़े हो गए, एक अशरा तकरीबन कल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और बिल्कुल पता नहीं चल रहा है रमज़ान का ना, इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा है आजकल तो। और इस रमज़ान की ख़ास बात यह है कि मेरी बेटी इंशाल्लाह 26 रमज़ान को एक साल की होने वाली है, उसकी सालगिरह है, बर्थडे है मेरी बेटी की। और मई की 26 मई और रमज़ान का 26 रमज़ान मेरी बेटी की बर्थडे है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने बेटी की फर्स्ट बर्थडे इंशाल्लाह। अच्छा, आज मैं आई हूँ कुछ रिव्यू देने के लिए। तकरीबन एक महीना पहले मैंने आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट दिखाई थी स्विस की ना, जो मैं लेकर आई थी। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इसका रिव्यू दूंगी, ठीक 1 मंथ बाद में इसका रिव्यू आपको देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और जिसमें मैं आपको, जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी उनको बताती चलूँ कि मैं लाई थी स्विस का रिफ्रेशिंग क्लेंजिंग मिल्क। स्विस कंपनी है ये और मेड इन स्विट्ज़रलैंड। और ये मैं लाई थी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो इसलिए मैंने ये वाला लिया था। इसके अलावा मैं स्विस का वाइटनिंग फेस मास्क लेकर आई थी। स्विस का वाइटनिंग फेस मास्क एब्सोल्यूट रेडियंस वाइटनिंग फेस मास्क है, जो कि स्किन को प्योरीफाई करेगा हाइड्रेट एंड ब्राइटनेस के लिए। तो ये मैं इसका स्मॉल वाला एक ट्यूब लेकर आई थी ताकि मैं चेक कर लूँ कि ये कैसी है। और फेस वॉश मुझे चाहिए था, जो कि वो भी मैं स्विस का ही मिलाई थी। तो ये तीन प्रोडक्ट्स मैं इनकी लेकर आई थी स्विस ब्रांड की। और ये जेंटल एक्सफोलिएटिंग डेली स्क्रब है स्विस का और फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये मैंने लिया था क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी रफ हो रही थी पिछले दिनों, तो मैंने इसलिए स्क्रब, मैंने डेली स्क्रब लेना मुनासिब समझा, तो मैं ये लेकर आई थी। अच्छा, मुझे इसका देना था रिव्यू आप लोगों को कि ये कैसा रहा इसका रिजल्ट। सबसे पहले बात करते हैं फेस इसकी क्लेंजिंग मिल्क की। स्विस का क्लेंजिंग मिल्क है ये और थिकनेस इसकी ये है, नॉट टू मच थिक नॉट टू मच थिन, नॉर्मल इसकी थिकनेस है। और बहुत ज़्यादा मुझे ये पसंद आया, मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। इसका मिल्की सा इसका कहना चाहिए टेक्सचर है। और इसका रिज़ल्ट ये है कि मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अपनी स्किन पे इम्प्रूवमेंट फील हुई। और इसको जब हम इस तरह से इसको मसाज करते हैं तो ये नॉट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, बट इसका जो जब हम इसको मसाज करते हैं तो हमारी स्किन जो है काफ़ी सपल और स्मूथ सी फील होती है लगाने के फौरन बाद ना। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा रफ स्किन हो रही है इन दिनों और ड्राई हो रही है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा रिव्यू ये है इसके बारे में कि ऑयली स्किन वाले आई थिंक ना यूज़ करें। अच्छा, इसके लगाने का सबसे अच्छा जो मुझे रिजल्ट इसका लगा ना, वो था कि इसको ना काफ़ी स्किन जो है ग्लोइंग फील हो रही है मुझे ना ये यूज़ करने के बाद। अरे हम डोर क्लोज कीजिए, वो फातिमा आ जाएगी। स्किन काफ़ी ग्लोइंग फील होती है, तो सपल फील होती है और सॉफ्ट। ये देखिए इसका रिजल्ट ये है, बिल्कुल मतलब ये नहीं कि ये थोड़ा ऑयली ऑयली सा रहेगा, बिल्कुल साफ मतलब ना इतनी ड्राई होगी स्किन आपकी लगाने के बाद, ना इतनी ऑयली होगी और इस तरह से। और ये बिल्कुल ये देखिए मेरे दोनों हाथों में फर्क। अभी मैंने इसमें नहीं लगाया है, इस पर लगाया है तो मेरी अभी ये वाली स्किन थोड़ी रफ सी हो रही है और ये बिल्कुल स्मूथ सी हो रही है। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि क्वांटिटी बहुत अच्छी है इनकी, 200 ml, ये देखिए 200 ml इनकी क्वांटिटी है, तो ये काफ़ी चल जाएगा आई थिंक।
क्योंकि मैंने अभी 1 मंथ हुआ है मुझे लिए हुए और मेरा इतना यूज़ हुआ है अभी। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा फुल ही है तकरीबन, बहुत कम यूज़ हुआ है, मतलब खर्च हुआ है। ठीक है, ये था क्लिनजिंग मिल्क। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इसका स्क्रब का दिखाती हूँ मैं आपको रिजल्ट कैसा है। स्क्रब जो है और स्किन टाइप में लेकर आई थी, जैसे इसमें भी एल्पाइन ग्लेशियर वाटर इसमें इस्तेमाल हुआ है, एल्पाइन ग्लेशियर वाटर, और ये हमारी स्किन को जेंटल एक्सफोलिएट करेगा और रिमूव डेड स्किन, हेल्प सिम्यूलेट स्किन स्किन सेल्फ रीजनरेशन, लीव स्किन सॉफ्ट एंड सपल। ठीक है, इसका यही है यूज़ इसका यही है कि अप्लाई अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द स्क्रब ऑन मॉइस्ट फेस एंड नेक इन सर्कुलर मोशन, अवॉइड एरिया अराउंड द आई, रिंस विद लुकवॉर्म वाटर एंड पैट ड्राई, जेंटल इनफ फॉर डेली यूज़। इसका मैंने आपको दिखाया इसका बिल्कुल कितना वाटरी सा इसका, ये देखिए कितना वाटरी है ये। अभी मैं इसकी भी लगा देती हूँ। सिंपल हम इसको मसाज करेंगे और जब आप इसको मसाज करते रहेंगे थोड़ी देर, वैसे भी फेस वॉश का तरीका ये है कि आप उसको थोड़ी देर तक इसको मसाज करें विदाउट वाटर। और देखिए विदाउट वाटर मैंने अभी इस पर पानी नहीं लगाया है, बिल्कुल टच नहीं किया है, और इसका टेक्सचर जो है वो इस तरह का सोपी सा बन गया है मसाज करने के बाद। ये देखिए ये देखिए, और इसमें बहुत छोटे छोटे से आपको इसके पार्टिकल्स हैं, जो स्क्रबिंग पार्टिकल्स हैं बहुत स्मॉल टाइनी बिल्कुल, और वो हमारे बिल्कुल स्किन को हमारे लिए कोई हार्श नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से हमारी डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इसका इस तरह से, फिर 5 मिनट हमें करना है और फिर उसके बाद वॉश कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं, अभी आपको सिर्फ स्क्रब करके मैंने दिखाया है, हैंड वॉश किए मैंने, और किस तरह से ये रिजल्ट है इस स्क्रब का जो मैंने आपको भी दिखाया, स्विस का एक्सफोलिएटिंग डेली स्क्रब। जी फ्रेंड्स अब आई आती है वाइटनिंग मास्क की, इसका रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ। अच्छा इसको हमें क्या, ये क्योंकि ये भी ऑल स्किन टाइप है, ऑल स्किन टाइप। अच्छा इसमें जो ये वाला है ये 75 ml का मैं लेकर आई थी, और इसमें एक बड़ा भी आ रहा है, आई थिंक 200 ml और 100 ml इस तरह का होगा, लेकिन मैं छोटा लेकर आई थी ताकि मैं देख लूँ इसका रिजल्ट। अच्छा इसको डीप क्लींस और प्योरीफाई स्किन करेगा, गिव इंस्टेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन, रिड्यूस डलनेस एंड विजिबली ब्राइटनेस, गिव्स इवन टोन एंड रेडियंट कॉम्प्लेक्शन। तो गर्मियों के लिए आई थिंक ये बेस्ट है, मैंने इसको यूज़ किया है, और इसको हमें सिंपल उन्होंने जो लिखा है डायरेक्शन उन्होंने जो दिए वो यही दिए कि अप्लाई द मास्क जेनरसली ऑन फेस एंड नेक इन सर्कुलर मोशन, लीव फॉर 10 मिनट्स एंड देन वॉश ऑफ विद वार्म वाटर और वाइप अवे विद अ क्लींजिंग टिश्यू, यूज़ द मास्क 1 to 2 times a week। ये इनकी डायरेक्शन है, मैंने 2 times यूज़ नहीं किया, 1 time ही किया है। इसका बिल्कुल मिल्की इसका टेक्सचर है और बहुत सॉफ्ट मिल्की आपको फील होगा जब आप फेस पे लगाएंगे तो। इसकी सबसे अच्छी चीज़ तो इसकी यही लगी मुझे कि हर चीज़ उन्होंने जो बनाई है बहुत माइल्ड बनाई है, मतलब वाटरी और हार्श नहीं है, मतलब लगाने में भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। इस तरह से उन्होंने कहा है कि डायरेक्शन जो उन्होंने दी है उसमें तो उन्होंने कहा है कि अप्लाई द मास्क जेनरसली ऑन फेस एंड नेक इन सर्कुलर मोशन, लीव फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के लिए हमें इसे छोड़ देना है और 10 मिनट बाद इसको जो हम वॉश कर लेना है। सिंपल ये वाइटनिंग मास्क है स्विस का। जी फ्रेंड्स मैंने ये वॉश कर लिया है, ये देखिए इसी हैंड पे मैंने सारा कुछ किया है, इस हैंड पे इतना नहीं किया है। तो ये था रिव्यू ऑफ स्विस प्रोडक्ट स्विट्जरलैंड।
मेड इन स्विट्ज़रलैंड, जिसके तीन आपको मैंने रिव्यूज़ दिए, तीन प्रोडक्ट्स उनकी, क्लेंजिंग मेक, मिल्क स्क्रब, डेली स्क्रब एंड मास्क। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रिव्यूज़ और ये सब, ये मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी और होपफुली कि ये आप लोगों के काम आएगी इंशाल्लाह। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। मुझे हमेशा आप लोगों के कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स और बहुत अच्छा लगता है। तो डोंट फॉरगेट टू राइट कमेंट और दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।